हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट्सअप में आपके इमेज फ़ोटो जो भी है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं, उनको आप बंद कैसे करते हो वो मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा देर नहीं लगेगी वीडियो में आपको, मैं फास्ट जल्दी बताने जा रहा हूँ। देखिए वीडियो, आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट में व्हाट्सअप को खोलना है, ये मैंने खोल लिया व्हाट्सअप। व्हाट्सअप खोलने के बाद आपको जाना है ऊपर, तीन डैश दिख रहा है ये ऊपर, तीन बिंदु देखिए कोने में, उन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है डाटा एंड, ये चौथे नंबर पर दिख रहा है डाटा एंड स्टोरेज यूसेज, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपको देखना है, ये देख लो व्हेन यूजिंग डाटा मोबाइल डाटा, इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने सब बंद कर रखे हैं ना, फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ये सभी मैंने बंद कर रखे हैं, मेरे ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होते हैं। अगर ऑटोमेटिक आपको डाउनलोड करना है तो इन पर क्लिक कर दो और ओके दबा दो, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया। अगर आपको नहीं करना है तो आपको ये क्लिक हटा देना है। अब आपके वीडियो और ऑडियो या फ़ोटो ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होंगे। पर अगर आप एक चीज़ और, अगर आप वाईफाई से अगर कनेक्ट है आपका मोबाइल और वाईफाई से चला रहे हो तो उसके नीचे ही देख लो व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, तो इसमें वाईफाई के ऊपर वैसे ही करना ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट, तो इसे करोगे तो आपके डाउनलोड हो गए। अगर उधर आपने बंद कर रखे है और वाईफाई में अगर चालू हो ना आपका मोबाइल वाईफाई से चल रहा हो तो वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, इसलिए इधर भी ऑफ करना है, फिर आपके ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होंगे। दोनों में हो गया बंद। अब आपके कभी भी वीडियो और ऑडियो डाउनलोड नहीं होगे, यही है सेटिंग। प्लीज़ चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिले। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, नया सब्सक्राइबर, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं। प्लीज़, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।